वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू योर इंग्लिश क्लास। सो वी सॉ द एक्सप्लेनेशन ऑफ पोयम 2.2 फ्रॉम अ रेलवे कैरेज यूनिट 2। उसका एक्सप्लेनेशन हमने देखा उस पोयम का, विच वॉज रिटन बाय आर एल स्टीवसन। सो अब हम उसका क्वेश्चन आंसर का सेक्शन देखने वाले हैं, दैट इज इंग्लिश वर्कशॉप। ओके, वी हैव कंप्लीटेड विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोयम एंड इट्स टाइम टू कंप्लीट द वर्कशॉप, जो कि आपको आपके इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है और उसके बाद वर्कबुक भी कंप्लीट करनी है। रिपीटेडली आई एम टेलिंग दैट कंप्लीशन ऑफ द बुक हैज मार्क्स, सो कंप्लीट द बुक्स ऑन time and whenever it is asked you will have to show the pictures of it. So without wasting the time, let's start with our first question. Read the poem aloud with proper rhyme. What does the rhyme remind you of? Okay, so ye jo hai, what does the rhyme remind you of, iska answer aap khud likhna hai, बिकॉज ये आपको पूछा गया क्वेश्चन है। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सेल्फ स्टडी विच यू विल बी राइटिंग योर सेल्फ। ओके, उसके पहले सी ऑन द स्क्रीन यू कैन सी सम ऑफ द मीनिंग्स आई हैव गिवन, दैट मीनिंग्स यू विल बी कॉपिंग इन योर नोटबुक। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट एंड देन यू हैव टू कॉपी दिस मीनिंग इन योर नोटबुक। देन see, find pairs of rhyming words from the poem. Okay, so even that question you will do by yourself. For example, I'll show you how. See here, the rhyming words are fairies. No, sorry, the rhyming witches, ditches, battle, cattle. Okay, plain, rain again, or plain rain. Plain rain. I buy, scrambles, bambles, gazes, daisies. Road, load, river, ever. So these are the rhyming words that you have to write. Question number 3. Write the following. The sight seen through a railway carriage mentioned in the first stanza. See, the sight seen through a railway carriage mentioned in the first stanza. The answer is, the site mentioned in the first stanza are bridges, houses, hedges, ditches, meadows, horses and cattle. This is the answer for the first question. Next, the sites mentioned in the second stanza. The sites mentioned in the second stanzas are the hills and plains and painted stations. Next, the sites mentioned in the third stanza. The site mentioned in the third stanzas are child gathering brambles and tramp and green grass. So this is the answer. Okay. Next, now see. Okay, so next question. थिंक एंड आंसर। एक्चुअली ये क्वेश्चन भी सेल्फ स्टडी के लिए दिया है, बिकॉज आपको थिंक करके आंसर करना है, बट मैं देती हूँ इसका आंसर। वाई आर द साइट्स सेड टू फ्लाई?
सो व्हाई आर द साइट्स सेड टू फ्लाई, इसका आंसर है द साइट्स आर सेड टू फ्लाई टू गिव अस अ आइडिया ऑफ द ग्रेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, ये इसका आंसर है. सेकंड क्वेश्चन देखो, डज द लास्ट लाइन मेक यू हैप्पी और सैड, व्हाई, ये भी एक्चुअली आपको लिखना है बट आप यहाँ पे लिखो द लास्ट लाइन मेक मी सैड बिकॉज आई वुड लाइक टू सी द साइट्स अगेन एंड अगेन. नेक्स्ट List the lines that begin with here or and here. Also list the sentences or phrases that begin with and there. These phrases and sentences tell us about things that appear one after the other. On the carriage moves. Can we tell which one are closer to the train and which one are at a distance? हाउ, अब यहाँ पे क्या करना है, पोयम में कुछ सेंटेंस है जिसकी शुरुआत यर से है. अब देखो जरा किसकी शुरुआत यर से है, कहाँ कहाँ पे यर है. थर्ड स्टैंजा में देखो यर इज अ चाइल्ड, उसके बाद उसी स्टैंजा में फोर्थ लाइन देखो यर इज अ ट्रैम्प, फिर लास्ट स्टैंजा में देखो यर इज अ कार्ट. ओके, ये जो तीन सेंटेंस है ये ईयर से शुरू हो रहे, और एंड ईयर वाले देखो अब एंड ईयर और एंड देर. यहाँ पे देखो थर्ड स्टैंजा में सेकंड लास्ट लाइन एंड देयर इज द ग्रीन, लास्ट स्टैंजा में एंड हियर इज अ मिल. ओके, तो ये सारे सेंटेंसेस है. अब इस सेंटेंसेस में हमको क्या बताना है कि इस सेंटेंस में से जो चीजें हैं वो कौन सी पास है और कौन सी दूर है. ओके, सो इसका आंसर देखो यहाँ पे दिया है, एक्सप्लेनेशन भी है. नीचे का जो सेंटेंस है वो पे थोड़ा सा इट्स नॉट कंप्लीट, और उसके बाद भी बहुत बड़ा आंसर है. सो डू वन थिंग, ये जो क्वेश्चन है ये छोड़ दो आप. ओके, छोड़ दो इन सेंस ये क्वेश्चन आप खुद लिखेंगे यहां से. सी क्वेश्चन नंबर वन यू विल डू योर सेल्फ, क्वेश्चन नंबर टू मैंने रीड करके बताया है वो आपको लिखना है, क्वेश्चन नंबर थ्री मैंने आंसर्स दिए है, क्वेश्चन नंबर फोर भी मैंने दिया है, क्वेश्चन नंबर फाइव इज फॉर सेल्फ स्टडी, आप खुद करेंगे. मैंने एग्जाम्पल्स दिए है आपके कौन से ईयर है, ईयर के सेंटेंसेस है और कौन से एंड ईयर एंड देयर के सेंटेंसेस है, उसको आपको बस फ्रेम करके कौन से वो फाइनल वाला आंसर लिखना है. सो क्वेश्चन फाइव इज अगेन फॉर सेल्फ स्टडी. नाउ सी क्वेश्चन नंबर सिक्स, रीड द फॉलोइंग, चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल, फ्लाइंग एज थिक एज ड्राइविंग रेन, यूजिंग योर इमेजिनेशन राइट वन और टू कंपैरिजंस ईच विद. सो यर फिर से क्या पूछा है, यूजिंग योर इमेजिनेशन. ओके, योर इमेजिनेशन मतलब आप क्या सोचते हो उस पे लिखना है. ओके,
ये भी सेल्फ स्टडी का क्वेश्चन है, लेकिन मैं दे रही हूं तो आप लिख लो उसका आंसर। देखो, द इवनिंग ट्विलाइट इज लाइक अ बर्निंग फ्लेम। लाइक, देखो लाइक जब हम करते हैं, मतलब दोनों को कंपेयर कर रहे। सेकेंड, द रोजेज इन माई गार्डन एज रेड एज ब्लड। अगेन कंपेरिजन है, समझ रहे? नो, नेक्स्ट। राइट अबाउट द साइट्स यू मे सी फ्रॉम अ बस और एन एरोप्लेन। यू मे राइट इट इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट पोयम। सो आप हमेशा बस से जाते हो, या कई बार आप में से कोई एरोप्लेन से भी कहीं गया होगा या नहीं भी गया होगा, नॉट नेसेसरी कि जाए, अगर गया है तो वो एक्सपीरियंस आपको लिखना है। अगर एरोप्लेन से नहीं गए तो बस से तो सभी गए हैं, यस सभी जाते हैं, कॉमनली यूज ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट है वो। सो उसका एक्सपीरियंस आपको लिखना है और कोशिश करनी है कि वो पोयम के टाइप में हो। नॉर्मली तो हम ऐसे के टाइप में लिखते हैं, लेकिन पोयम के टाइप में लिखा तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? तो ये भी एक्चुअली आपको खुद को करना है, बट मैं इसका आंसर दे रही हूं। इस तरीके से आपको लिखना है। देखो, अगर इस मेरे आंसर के अलावा भी आपको कोई आंसर आ रहा है तो आप लिख सकते हैं, इट इज वेरी गुड थिंग। तो यहाँ पे देखो कैसे लिखा है मैंने, फास्टर एंड फास्टर गोज द प्लेन ओवर द सिटीज ओवर द प्लेन्स, हायर एंड हायर गोज द प्लेन ओवर द हिल्स ओवर द डेल्स। इज इट अ रिवर, इज इट अ स्ट्रीम, आई एम प्लेइंग और इज इट अ ड्रीम। ये इजी पोयम है, आप इस तरीके से आपके हिसाब से भी पोयम बना सकते हो और लिख सकते हो। अगर नहीं तो ये भी लिखा तो भी चलेगा, समझ रहा है? नाउ लास्ट, फाइंड एंड रीड अदर पोयम ऑफ आर एल स्टीवेंसन यूजिंग द इंटरनेट। फाइंड अदर राइमिंग रिदमिक पोयम अबाउट ट्रेन्स इन इंग्लिश और अदर लैंग्वेजेस। सो इंटरनेट के हिसाब से आर एल स्टीवेंसन, ये जो पोएट है, इनके और भी कई पोएम्स हैं। तो आप इंटरनेट पे जाके आर एल स्टीवेंसन पोएम डालेंगे तो आपको अलग अलग उनकी पोएम्स और भी मिलेंगी, आपको वो पढ़नी है, ठीक है? और इंग्लिश में और भी जो पोएम्स है उसके रिदमिक रिदमिक पोएम्स आपको ट्रेन पे इंग्लिश में या फिर अदर लैंग्वेज में है तो देख सकते हैं। ट्रेन पे पोयम होने चाहिए, जैसे कि मराठी में एक पोयम है, झुक 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 अगेन गाड़ी, ऐसे करके ट्रेन पे लिखी गई एक बहुत ही छोटे बच्चों की पोयम है। ये एक मैंने एग्जाम्पल बताया है, ऐसे आप इंग्लिश में या फिर और भी लैंग्वेजेस में पोयम होंगी तो आपको वो ढूंढनी है और पढ़नी है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा इंग्लिश वर्कशॉप फ्रॉम अ रेलवे कैरेज का खत्म हो गया है, एक्सप्लेनेशन और वर्कशॉप। ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू लेसन।